बताओ बर्थ रेट क्यों बढ़ता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बर्थ रेट क्यों हाई है हमारे देश की पॉपुलेशन। अरे वो तो हमको ही पता है पॉपुलेशन हाई क्यों है, कि बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट कम है, लेकिन बर्थ रेट क्यों ज्यादा है मैं वो पूछ रही हूँ, व्हाई बर्थ रेट इज हाई। बर्थ रेट क्यों है ज्यादा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एनीवन। एजुकेशन नहीं है, वेरी गुड, लोग इलिटरेट है, इलिटरेट है काफी। हाँ फिर और कोई रीजन, हमारी इंडिया कैसी है। अच्छा ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी भाई, मैं वही तो पूछ रही हूँ, पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है, बर्थ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट क्यों ज्यादा है। क्या बात बोली है, जोरदार तालियां इस पे, तो जोरदार बात, के जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा हम लोगों को कमाना मिलेगा, तभी तो आपको ट्रैफिक सिग्नल पे मिलते हैं वो लोग, मिलते हैं छोटे छोटे बच्चे, लाओ 2 रुपए, लाओ 2 रुपए, लाओ 10 रुपए, अभी तो 2 रुपए मांगते ही नहीं है वो, 10 रुपए ही मांगते हैं वो लोग। सुपर बात बोली, मतलब यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि आजकल के टाइम पर जो इलिटरेट पर्सन है, जो पुअर पीपल है, वो अपने चाइल्ड को लाइबिलिटी नहीं मांगते, मानते हैं असेट, मानते हैं कि भाई इससे हम लोगों को इनकम जनरेट होगी। शाबाश, वेरी गुड, इसके रिलेटेड तो ठीक है। ये पता है हम लोगों के बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है, और कोई रीजंस, मेरे को और मजा आती है कोई ऐसे सामने से बताता है इसके रिलेटेड तो। अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट है, बट अनएम्प्लॉयमेंट और बर्थ रेट का क्या रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड बर्थ रेट, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का एक्चुअली। हाँ मतलब बेरोजगारी ज्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें तो हम लोग इनकम जनरेट करें, ऐसा कि थोड़ा बहुत मैं ऐसे रिलेट कर सकती हूँ। और कोई बता सकता है मुझे इसके रिलेटेड, बर्थ रेट क्यों ज्यादा है हमारे इंडिया का, काफी अच्छे रीजंस आप लोगों ने बताए उसके, क्योंकि देखो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमको रूट कॉज तक जाना पड़ता है उसके। मैं कोई रीजन बताऊं, देखो पहले तो हमारी इंडिया मेल डोमिनेटेड नेशन है, यस और नो, मेल डोमिनेटेड नेशन है इंडिया, यस। प्लस यहाँ पे क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल किसी भी पेरेंट को अगर 2 लड़कियां हुई है, 3 लड़कियां हुई है, तो जब तक लड़का नहीं होता तब तक बर्थ करते जाएंगे करते जाएंगे, ऐसी भी चीज आपको देखने को मिलती है, समझे। और बाकी आपको पता ही है जेंडर इनइक्वालिटी इज ऑल्सो द रीजन, और प्लस हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज, ये भी पॉसिबिलिटी है, चाइल्ड मैरिज होती है हमारे इंडिया में, आज भी है चाइल्ड मैरिज। कौन से बताऊं, कौन से कास्ट ऑफ पीपल में, रबाड़ी लोग में, रबाड़ी लोग होते हैं ना जो पर्टिकुलर कास्ट वाले, उनकी चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है, मतलब जब तक 18 साल की लड़की नहीं हो जाती ना तब तक वो अपने मायके में रहेगी, लेकिन जैसे ही 18 साल की हो जाएगी उसके बाद वो अपने ससुराल में आ जाएगी, लेकिन उनकी शादी तो बचपन में ही करवा देंगे, वो देखने को मिलता है आज भी, मैंने ये सामने से देखा हुआ है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके रिलेटेड, ठीक है। चलो वेरी गुड, सो हमारे पास पॉपुलेशन चैप्टर है, हम लोग उसमें ज्यादा डिटेल डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, देखो सामने नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है फॉर एग्जाम्पल, और जब हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को मिलती है क्या, पर कैपिटा इनकम, यस और नो, पर हेड इनकम पता चलती है हमको, इतना पता है अपने को। अभी मुझे बताओ अगर नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे वही चीज बताइए, देखो हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिड नॉट अलाउ पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीज, सो से फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं,
चलो नेशनल इनकम है से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख और पॉपुलेशन है 100, कितना आएगा पर कैपिटा इनकम, कितना आएगा पर हेड इनकम? 100 लोग हैं, उनकी टोटल इनकम पूरे देश की आ रही है 1000, वेरी गुड। 10,000 कैसे आएंगे? हाँ 1000, यस 1000, यस वेरी गुड। अभी फॉर एग्जाम्पल 200 पॉपुलेशन हो गई, इधर क्या आएगा, क्या आएगा बोलो? 500, वेरी गुड। तो पर कैपिटा इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई के डिक्रीज हुई? सो यहाँ पे लिखा है ना, हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिड नॉट अलाउ पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीज, और लो पर कैपिटा इनकम मतलब, और सामने बिग साइज ऑफ फैमिलीज, एक ही घर में छह छह जने, सात सात जने, दस दस जने, तो इतनी इनकम में से कैसे गुजारा चलेगा उनका? तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होगी, अच्छी होगी कि पुअर होगी? पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड देयर वॉज अ रैपिड इंक्रीज इन लेबर सप्लाई। दूसरी तरफ आप देखो, ये तो एक रीजन है कि भाई पॉपुलेशन की वजह से पर कैपिटा इनकम लो और उनका पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरी अगर रिफ्लेक्शन से आप देखो कि पॉपुलेशन हाई, तो क्या होगा, लेबर सप्लाई क्या होगा, हाई। लेबर सप्लाई सामने इतना ज्यादा है, लेकिन डिमांड फॉर लेबर, डिमांड फॉर लेबर क्या है ही नहीं मार्केट में। लेबर सप्लाई से फॉर एग्जाम्पल सामने हजारों की भीड़ खड़ी है, लेकिन मुझे तो मेरे कंपनी के अंदर 100 लोग ही चाहिए, तो मैं क्या करूं, बाकी सब क्या हो जाएंगे बताओ? सो यस अनएम्प्लॉयमेंट, अगर लेबर सप्लाई बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन एंड लो डेवलपमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होगा, सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट होता जाएगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, बेरोजगारी अगर बढ़ी देश के अंदर, तो क्या होगा, देखो क्या लिखा है, अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का, जिसकी वजह से लोगों की वेजेस के रेट कम हो जाएंगे, वेज कम हुआ मतलब इनकम कम हुई, इनकम कम हुई सो अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, इसकी वजह से देश में क्या हो जाएगा, गरीबी। आ गया समझ में क्या लिखा है यहाँ पे? दो तरीकों से बताया था, एक पर कैपिटा इनकम एंगल से बताया था कि भाई पॉपुलेशन बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम कम होती जाती है, जिसकी वजह से लोग अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड लाइफ नहीं जी पाते हैं, जिसकी वजह से पुअर क्वालिटी लाइफ हो जाती है उनकी। और दूसरी तरफा बताया था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सामने लेबर सप्लाई बढ़ रहा है, लेबर सप्लाई बढ़ रहा है लेकिन सामने डिमांड फॉर दी लेबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट सो हम लोग तो बोल सकते हैं कि भाई पॉवर्टी हो रही है। समझ में आ गया हर किसी को, एकदम क्लियर? ओके चलो, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम ट्यूसडे को करेंगे, अभी नेक्स्ट ट्यूसडे को हम लोग करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर सारे के सारे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे इकोनॉमिक फैक्टर सेपरेटली क्वेश्चन। आपको हिस्टोरिकल रीजंस और ये क्लियर हो गए एकदम?